जिले में मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बता दें कि ग्वालियर संसदीय क्षेत्र की मतगणना 4 जून को प्रातः 8 बजे से शुरू होगी। साथ ही मतगणना दिवस पर प्रत्याशियों और उनके अभिकर्ताओं की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम प्रातः 6:30 पर खोल दिए जाएंगे। इसके तहत ही कलेक्टर और रिटर्निंग अधिकारी रुचिका चौहान ने बताया कि नामांकन पत्रों और ईवीएम में दर्ज मतों की गिनती प्रातः 8 बजे से शुरू हो जाएगी। डाक मत पत्रों की गिनती के लिए अलग से कक्ष निर्धारित किया जाएगा। इसी दौरान कलेक्टर और एसपी का कहना है कि मतगणना के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। लगभग 1000 जवान और मतगणना केंद्र और उसके आसपास तैनात रहेंगे। क्षेत्र के मतगणना के लिए 4 तारीख को MLB कॉलेज में 8 बजे हम लोग मतगणना प्रारंभ करेंगे। 6:30 बजे हम अपने EVM के स्ट्रांग रूम को खोलेंगे और उसी के साथ ही हमारे काउंटिंग एजेंट्स और काउंटिंग की पूरी टीम का MLB में प्रवेश प्रारंभ होगा। ये प्रवेश सभी लोगों का विद ID कार्ड्स होगा, यानी अधिकृत लोग ही अंदर आने के लिए परमिटेड रहेंगे। इन लोगों के पास में मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कोई कैलकुलेटर्स इत्यादि की परमिशन नहीं रहेगी। जो निर्धारित आई कार्ड अपना लाएंगे उनको बड़ी स्मूथली अंदर हम लोग अपने उनके कक्षों तक पहुंचाएंगे और 8 बजे जो विधिवत समय है उसमें काउंटिंग प्रारंभ की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगभग 1000 पुलिसकर्मी अलग अलग ड्यूटीज़ में ऑफिसर्स और सभी लोग पोस्टेड रहेंगे और इस पूरी व्यवस्था का जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करेंगे। इलेक्शन कमीशन के जो सुरक्षा के निर्देश है उसके तहत पूरी सिक्योरिटी प्लान की गई है। मतगणना स्थल की सुरक्षा, जैसा कि मैंने अभी बताया है कि 100 मीटर की पेरिफेरी में किसी प्रकार के व्हीकल्स अलाउड नहीं होंगे। जो मतगणना एजेंट आएंगे उनके लिए सेपरेट पार्किंग व्यवस्था, मतगणना कार्य करेंगे उसके लिए सेपरेट व्यवस्था की गई है। प्रवेश केवल आपके परिचय पत्र के आधार पर होगा। आपका ID कार्ड और परिचय पत्र चेक किए जाएंगे। आप लोग एडवांस समय से आ जाएंगे तो प्रवेश आसानी से मिलेगा, अदरवाइज लास्ट टाइम पे लंबी लाइनें लगती हैं। तो ये जो इंटरनल व्यवस्था है, जो पार्किंग व्यवस्था है, इसके अलावा शहर के भी सभी संवेदनशील स्थानों में हमारी पिकेट रहेगी। पेट्रोलिंग की व्यवस्था है, सभी थाना क्षेत्रों में पेट्रोलिंग रहेगी। इसके अलावा जो मतगणना स्थल है उसके आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन कैमरे से भी सर्वेलेंस कराएंगे, निगरानी कराएंगे। पूरी मतगणना में जो पुलिस व्यवस्था है उसमें 1100 पुलिसकर्मी लगे हुए हैं।